एक न्यू टॉपिक रिलेटेड विथ इकोलॉजी। आप लोग को ऐसे ज्ञान होगा इकोलॉजी का जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। और इकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे इकोसिस्टम्स की बात होती है और इकोसिस्टम में दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स आएंगे, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, तभी कोई इकोसिस्टम बनता है। आज हम लोग बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको, या बायोटिक इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। पॉपुलेशन मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनके बीच किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बिकॉज दे आर लिविंग, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बायोटिक टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, एंड दैट्स वाई इंटरेक्शन इज बायोटिक इंटरेक्शन। सबसे पहले बात करें हम कि ऑर्गेनिज्म जो हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट अलोन इन नेचर। कोई भी जीव प्रकृति में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता लंबे समय तक। द बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन। जो भी जैविक समुदाय है हमारे चारों तरफ वो इंटरेक्शन के जाल से बना हुआ जटिल एक प्रकार का वेब है। इंटरेक्शन में भी टू टाइप, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। जो एक्चुअल में इंटरेक्शन किसके बीच होगा, जब रिलेशनशिप होगा, तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब इंटरेक्शन विद इन सेम स्पेसीज। जब एक ही स्पेसीज रहेगी, उसके बहुत तमाम मेंबर्स रहेंगे, उनके बीच इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन इंट्रा। और इंटर मीन्स व्हेन टू आर मोर स्पेसीज विल इंटरेक्ट, ठीक है। जब अलग अलग जातियां आपस में इंटरेक्ट करेंगी, दैट विल कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद इन डिफरेंट स्पेसीज इन ए कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार की जो स्पेसीज हैं उनके बीच जब इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक। और इट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, इसमें बहुत जटिल प्रकार के इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। जबकि होता क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक में सेम स्पेसीज के बीच होगा और इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिशन जनरली होगा इसमें फॉर फूड, शेल्टर एंड मैट्स। जैसे आप ह्यूमन बींग्स का ले लीजिए, तो ह्यूमन बींग्स में भी कॉम्पिटिशन चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ फूड, भोजन के लिए होता है, फिर शेल्टर के लिए होता है मतलब आवास के लिए, और मैट्स के लिए भी होता है मतलब ग्रुप बनाने के लिए कि हम इसके साथ रहेंगे उसके साथ रहेंगे। जैसे मैरिज की बात होती है तो इसके लिए कंपटीशन होता है तीनों के लिए, एक्चुअल में भोजन, आवास और मैट्स के लिए। तो किसी भी जीव में जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा उसके बीच इंटरेक्शन होगा, दैट वो जनरली कंपटीशन टाइप का होगा और फूड, शेल्टर और मैट्स के रूप में होगा। अब आइए, रिलेशंस जो होते हैं जनरली दे मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रिलेशंस जो भी होंगे बायोटिक इंटरेक्शन के, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड क्लोज होंगे। जैसे बिटवीन टाइगर एंड डियर, जो शेर है या बाघ है और हिरण है, इनके बीच जो रिलेशनशिप रहेगा वो डायरेक्ट है और क्लोज है एकदम। टाइगर ने देखा डियर को, दबोच लिया। जबकि इनडायरेक्ट एंड रिमोट में, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, रिलेशन है पर इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट दिखता नहीं, एंड रिमोट है, बहुत दूर है और उसका हमको समझ नहीं आता डायरेक्ट। जैसे एज बिटवीन एन एलिफेंट एंड बीटल, एक बीटल और एक एलिफेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड रिमोट। इंटरेक्शन इज ओनली थ्रू ए चैन ऑफ स्पेसीज लिंक। यहाँ पर एलिफेंट और बीटल के बीच जो संबंध है वो इंटरेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर, चैन ऑफ स्पेसीज, बहुत सारी जातियां उसके बीच में रहेंगी, लिंक रहे। हमको नहीं लगेगा एलिफेंट और बीटल के बीच कोई रिलेशनशिप है, जबकि है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आप शेर और घास के बीच रिलेशनशिप कर ले, तो आपको लगेगा शेर और टाइगर और घास के बीच क्या संबंध हो सकता है, बट देयर इज ए रिलेशन, और इनडायरेक्ट रिलेशन है, रिमोट है। यदि मान लो ग्रास नहीं होगी तो डियर नहीं होगा, और डियर नहीं होगा तो टाइगर कैसे सर्वाइव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड रिमोट टाइप ऑफ रिलेशन। अब आइए, स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं दे आर अप्लाइड टू स्पेसीज इंटरेक्शन। विशेष प्रकार के टर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं फॉर द स्पेसीज इंटरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन वेदर ए इंटरेक्शन इज बेनिफिशियल, हार्मफुल एंड न्यूट्रल।
मतलब यदि इंटरेक्शन बेनिफिशियल है दोनों के लिए तो देट विल बी पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन, यदि दोनों के लिए निगेटिव है या एक के लिए निगेटिव है तो हार्मफुल टाइप ऑफ इंटरेक्शन, और यदि मान लीजिए दोनों को प्रभावित नहीं करता इंटरेक्शन तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो आप यहाँ पे एक चार्ट दिखाते हैं, सबसे पहले देखिए काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है। टाइप हमने बताया है कि पॉजिटिव टाइप इंटरेक्शन, देखिए स्पेसीज ए और स्पेसीज बी है यहाँ मान लीजिए, तो दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज पॉजिटिव टाइप, मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रदान कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, इसको भी आपको समझाएंगे बाद में, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया है पॉलिनेशन, डिस्पर्सल, लाइकेन, रूट नोड्यूल्स, माइकोराइजियल एसोसिएशन, ये पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन है। दूसरा है जिसमें दोनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बोथ आर नॉट बेनिफिटेड, तो ये कहलाता है न्यूट्रलिज्म, मतलब उदासीन है एक दूसरे के लिए। मेनी स्पेसीज इन एरिया विल बी अनअफेक्टेड, मतलब बहुत सारी जातियाँ ऐसी रहती हैं एक क्षेत्र में जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, अप्रभावित रहती हैं बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वन अनदर, मतलब उनके रहने या ना रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिज्म। बहुत सारी स्पेसीज रहती हैं पर एकदम से उसका उल्लेख करना कठिन है, क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान एक दूसरे को होता है, फिर भी ऐसे न्यूट्रलिज्म के उदाहरण में अभी तक उदाहरण सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं है। तीसरा है पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन, जिसमें एक को तो बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे पर कोई लॉस नहीं होगा, मतलब वो उसको कोई फायदा भी नहीं होगा नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन वो न्यूट्रल रहेगा उसको, लेकिन पहले वाले को यहाँ पर ए को या बी जो भी है उसको यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, उसके लिए बेनिफिट हो रहा है। जैसे आर्किड होता है किसी प्लांट में, मैंगो ट्री में मान लो आर्किड लगा हुआ है तो मैंगो ट्री को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर ये एपिफिटिक प्लांट जो है आर्किड उसको वहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है। जैसे वुडी क्लाइंबर्स हैं जो कि दूसरे पौधे के सपोर्ट से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट जिससे ले रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं है बल्कि खुद को फायदा हो रहा है कि ऊपर पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेलिज्म। उसी प्रकार से एक को पॉजिटिव है लेकिन दूसरे को निगेटिव हो रहा है, मतलब उसको घाटा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रीडेशन पैरासिटिज्म। जैसे ग्रास को डियर खाएगी, डियर को टाइगर खाएगी, अब ग्रास को नुकसान हो रहा है डियर ने खाया, डियर को नुकसान हो रहा है टाइगर ने खाया, तो दैट इज प्रेडेशन। ठीक है, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। सीड्स जैसे हैं बीज, उनको स्पैरो ने खाया, गौरैया ने, तो सीड्स यहाँ पर प्रेडेटर हो रहे हैं, प्रेडेट हो रहे हैं किसके द्वारा, स्पैरो क्या प्रेडेटर है, दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन। पोटैटो, आलू में कोई डिसीज लग गई, मान लो फंगल डिसीज, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा, तो वो यहाँ पर पोटैटो क्या हो गया, होस्ट हो गया और फाइटोप्थोरा प्रेडेटर हो गया। वैसे ही कस्कुटा रिफ्लेक्सा, बेर के पौधे में यदि मान लो चढ़ गया है अमर बेल, तो अमर बेल क्या करेगा, बेर के पौधों से भोजन प्राप्त करेगा, तो कुल मिला के कस्कुटा क्या हो गया, प्रेडेटर का काम कर रहा है बेर पर। और यदि मान लीजिए दोनों में ही निगेटिविटी हो रही है, दोनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की जो बात आती है, इवन आजकल ह्यूमन बींग्स में भी जो देखा जा रहा है कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ रही है, वो कुल मिला के निगेटिविटी ही है मान के चलिए दोनों के लिए। और यहाँ पर कॉम्पिटिशन में देखिए जैसे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं और हर्ब्स हैं जंगल में, तो यहाँ एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन होता है कि किसको फोटो से लाइट नहीं मिल रही है, किसी कोई लाइट के लिए, कोई रेन हवा के लिए, कोई आपका पानी के लिए कॉम्पिटिट करते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन में आ जाएगा। निगेटिविटी दोनों में सब में रहेगी जो भी आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे। और ये हो सकता है कि मान लीजिए एक को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरे को निगेटिविटी, मतलब ये निगेटिव इंटरेक्शन है, इसको निगेटिविटी पैदा हो रही है, इसके लिए हानिकारक हार्मफुल है ये, तो ये कहलाता है एमेंसेलिज्म। तो इसमें होता है कि जैसे मान लो गेंदे का फूल है टैगेट से रेक्टा, तो ये कुछ प्रोड्यूस करता है, जहां भी उगेगा ये टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, तो होता क्या है उससे कि जहां उगेगा वहां के माइक्रोब्स को ये नुकसान पहुंचाएगा कुल मिलाकर। इसको तो फायदा भी नहीं हो रहा है, घाटा भी नहीं हो रहा है, लेकिन जहां उग रहा है ये गेंदे का पौधा टैगेट से रेक्टा, वहां पर ये माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए माइक्रोब्स जो हार्मफुल स्थिति में आ गए। तो हमने एक काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन का चार्ट बना दिया है, जिसमें प्लस मतलब बेनिफिशियल, माइनस मतलब हार्मफुल और जीरो मतलब न्यूट्रल। अब आइए आपको एक एक करके बारीकी से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप लोगों को लिखने के लिए मटेरियल भी मिलना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला है एक्सप्लेनेशन किया हमने म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए बी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा,
यहाँ बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को लाभ होगा, बी बेनिफिट प्राप्त करेंगी फ्लावर के नेक्टर से, और इसके बदले क्या होगा, फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, नई वेराइटी बनने के चांस ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एसोसिएशन बिटवीन एंट्स एंड अकेशिया, बबूल के पौधे में सीटियाँ रहती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो ट्री को प्रोवाइड, ट्री इसको क्या प्रोवाइड करता है, एंट्स को प्रोवाइड से सेफ एंड सिक्योर हैबिटेट फॉर एंट्स टू सेटअप देयर कॉलोनी, ताकि उसमें अपनी कॉलोनी डेवलप करें वो, और सुरक्षित रूप से अपने उसके लिए आवास बन जाता है, किसके लिए, एंट्स के लिए। एंट्स क्या रिटर्न में देती हैं, एंट्स इन रिटर्न प्रोटेक्ट द होस्ट ट्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड स्मॉल हर्बीवोरस, कोई भी स्मॉल हर्बीवोरस और इंसेक्ट उस एंट्स उस अकेसिया के ट्री में बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि चींटियां जो रहेंगी उसको वो काट खाएंगी। तो इस प्रकार से एनिमल्स जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं या इंसेक्ट हैं, दैट वुड अदरवाइज ईट अवे ऑल द लीव्स, नहीं तो होगा क्या, एक तो ऐसी अकेसिया जीरोफिटिक है और उसकी सारी पत्तियों को ये हर्बीवोरस और इंसेक्ट चढ़ जाएंगे, तो इसलिए एंट्स को वो पनाह देती हैं चींटियों को, ताकि दोनों, यहाँ पर जो एसोसिएशन है दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। फिर एक हम देखिए, रिलेशन बिटवीन मैन एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑल्सो केस ऑफ म्यूचुअलिज्म, हम लोग जो पेड़ लगाते हैं या जानवर पालते हैं वो भी एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है, इससे क्या होगा, पेड़ों को भी सुरक्षा मिल जाती है, एनिमल्स को भी चारा वगैरह प्रदान कर देते हैं, और उसके बदले हम लोगों को वो फूड वगैरह और दूध वगैरह देते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो एक प्रकार से ये भी म्यूचुअलिज्म है। और एल्गी फंजाई आपने देखा ही होगा, एसोसिएशन एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज इक्वल टू लाइकेंस, यहाँ पर एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस करने के कारण फूड प्रोवाइड करेगा फंजाई को, और फूड उसको प्रोटेक्ट करेगा, फंजाई इसको प्रोटेक्ट करेगा, एल्गी को प्रोटेक्शन देगा, साथ में मॉइस्चर को रिटेन करके एल्गी को पहुँचाता है, तो कुल मिला के बोथ आर बेनिफिटेड भाई ठीक है दर एक दूसरे को। उसी प्रकार से आप लोग देखें लेग्यूम्स में जो दालें हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उन नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके दालों को प्रदान करता है, दैट्स वाई दालों में ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। और लेग्यूम क्या प्रदान करता है इसको, पेड़ यहाँ पर राइजोबियम को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, तो कुल मिला के दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इस प्रकार से जो पहला इंटरेक्शन हमने देखा, इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, यहाँ पर बोथ आर बेनिफिटेड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर आता है कॉमन सेलिज्म, न्यूट्रलिज्म के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है, यहाँ पर किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉमन सेलिज्म में यह है कि ओनली वन स्पेसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज अनइफेक्टेड, यहाँ पर एक ही को फायदा होगा लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा, वो अप्रभावित रहेगी। जैसे एपिफेटिक ऑर्किड ग्रोइंग ऑन दी ब्रांचेज ऑफ मैंगो ट्री, द मैंगो ट्री ड्राइव्स नो बेनिफिट, मतलब आम के पौधे को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, जबकि ऑर्किड के पौधे को वहाँ सपोर्ट मिलता है, रहता है उसकी ब्रांचेज में आम की। सेवरल वुडी क्लाइंबर जिसको लाइनाज कहा गया है, टेक सपोर्ट ऑफ ट्रीज और एक्सपोजिंग देयर कैनोपी एवर ग्राउंड विदाउट डूइंग एनी हार्म टू सपोर्ट ट्री, मतलब सपोर्टिंग ट्री को बिना लॉस किए हुए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ये क्लाइंबर ऊपर बढ़ते जाते हैं सपोर्ट लेकर ट्री के, और अपनी कैनोपी को एक्सपोज करते हैं ग्राउंड के ऊपर, अदरवाइज मान लो वहाँ ट्री ना मिले तो जमीन में ही पड़े रह जाएंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो ये कॉमन सेलिज्म से क्या है, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को घाटा भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो न्यूट्रल स्थिति, उसको नुकसान भी नहीं हो रहा है कुल मिलाकर। इसके बाद आते हैं अपन पैरासिटिज्म नेक्स्ट। तो पैरासिटिज्म में देखिए यहाँ पर वन स्पेसीज ऑफ पैरासाइट बेनिफिट्स एंड अदर इज हार्म, जो पैरासाइट रहेगा वो तो लाभ प्राप्त करेगा लेकिन अदर इज हार्म, दूसरे जिस पर होस्ट को इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पैरासाइट दे आर स्मॉलर देन होस्ट, हमेशा ध्यान रखेंगे कि पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होगा दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन होस्ट। होस्ट जो है इट इज द सोर्स फॉर फूड एंड शेल्टर, होस्ट इसके लिए शेल्टर का काम कर रहा है और फूड का काम कर रहा है। ध्यान देंगे द पैरासाइट जो है डज नॉट किल इमीडिएटली होस्ट, होस्ट को तुरंत नहीं मारता ये, आफ्टर इन्फेक्टिंग इट अदरवाइज द पैरासाइट वुड सून एक्सटिंक्ट बीइंग अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब यदि मान लो तुरंत इसको मार दे होस्ट को या होस्ट नष्ट हो जाए तो वो उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा फिर। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना की बात चल रहे हैं, तो कोरोना जो वायरस है पैरासाइट जो है वो होस्ट को अटैक करता है लेकिन होस्ट इमीडिएटली नहीं मरता, 25 दिन लग जाते हैं उसके अंदर डेवलप होने में ताकि वहां पर बहुत ज्यादा वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो पैरासिटिज्म बहुत खतरनाक चीज है,
ठीक है, होस्ट को किल भी नहीं करता तुरंत और बाद में होस्ट को पूरी तरह से समाप्त भी कर देता है। तो इस प्रकार से उदाहरण हमने लिया है टैप वॉर्म, मलेरिया, पैरासाइट, फंजाई, बैक्टीरिया, इनके द्वारा जो भी बीमारियां होती हैं और वायरसेस जो देख लिए हैं, ये सब ऐसे पैरासिटिज्म हैं, पैरासाइट्स हैं जो कि बहुत ही नुकसान प्रदान करते हैं किसको, होस्ट को, और खुद बेनिफिट प्राप्त करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन होस्ट एंड पैरासाइट कुड बी पोटेंशली लिमिटिंग टू बोथ पॉपुलेशन। इससे एक फायदा यह है कि इस प्रकार जो इंटरेक्शन होता है ये दोनों के ही पॉपुलेशन को लिमिटिंग कर देता है, एक प्रकार से सीमा में कर देता है। ठीक है, यदि मान लीजिए होस्ट पैरासाइट ना रहे, मान लीजिए मलेरिया पैरासाइट खत्म ना रहे, टैप वर्म ना रहे और तमाम जो वायरस बैक्टीरिया ना रहे, तो संख्या तो और बढ़ जाएगी, लोग स्वस्थ हमेशा रहेंगे। तो ये कुल मिला के भले हमको लगता है अभी तकलीफ में है कि नहीं, बहुत गलत हो रहा है ये, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए नेचर ने इन तमाम छोटे छोटे जीवों को समय समय पर बहुत भारी संख्या में पैदा भी किया है और नष्ट भी नहीं होते हैं लोग। हायर प्लांट्स में देखिए टोटल रूट पैरासाइट एक है जिसका नाम है आपका रेफलेसिया अर्नोल्डी, ये रूट पैरासाइट है। और उसी प्रकार से ये तो आप लोग देखे नहीं होंगे पर टोटल स्टेम पैरासाइट को देखे होंगे, अमर बेल, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, जो नींबू के पौधे में या बेर के पौधे में आपको दिखाई देगा, ये होस्ट रहेगा सिट्रस या बेर, उस पर ये चढ़ जाता है, अटैक करता है और उसके ऊपर पूरा जाल फैला लेता है अमर बेल, तो इसको फायदा होता है लेकिन ये नष्ट हो जाता है, जिस पौधे में लगता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से लेकिन एकदम से नहीं करता, धीरे धीरे बेर का पौधा सूखने लगता है, तब तक ये अपनी ग्रोथ पूरी कर लेता है। तो पैरासिटिज्म का यही है कि होस्ट पर अटैक तो करेगा पर होस्ट को तुरंत नष्ट नहीं करता। अब इसका जो दूसरा पहलू है प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या है, वन ऑर्गेनिज्म किल्स एनादर फॉर फूड, एक जो जीव है दूसरे को इमीडिएट खत्म कर देगा, किल कर देगा। प्रिडेशन का मतलब डायरेक्ट खाना। दिस इज नॉट ओनली इन नेचुरल सिस्टम इकोसिस्टम बट मैन कैप्चर्स फिशेज फ्रॉम सी, हंट्स गेम एनिमल इन फॉरेस्ट। ये केवल हमारे जानवरों के द्वारा ही नहीं किया जाता प्रेडेशन, यहाँ पर नेचुरल है इकोसिस्टम में ही नहीं हो रहा है बल्कि मैन भी जो है, हमारे पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग, ये मछलियों को समुद्रों से पकड़ते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रेडेशन ही है, और हंट्स करते हैं, शिकार करते हैं गेम एनिमल्स का, बर्ड सेंचुरी में या जाके फॉरेस्ट में जाके शिकार करते हैं डियर वगैरह का, वो एक प्रकार का प्रेडेशन है, डायरेक्ट आपने उनको मार दिया। यहाँ देखिए एक फूड चैन है, मान लीजिए ग्रास इज ईटन बाई डियर एंड डियर इज ईटन बाई टाइगर। देखिए अब यहाँ पर ग्रास बचेगी नहीं डियर के द्वारा और डियर बचेगा नहीं टाइगर के द्वारा, तो टाइगर इस प्रकार से पूरी तरह से प्रेडेटर का काम किया और डियर को खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म तुरंत किल कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से इंसेक्टिवरस एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, इंसेक्टिवरस और कार्निवर एनिमल्स लिखा है। हम अभी प्लांट की बात करें, यूट्रिकुलेरिया देखा होगा आप लोगों ने, ड्रोसेरा सुना होगा, निपेंथिस खासियाना, पिसर प्लांट, ये ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स हैं जिन जिनमें इंसेक्ट बैठते ही, जैसे मान लो पिसर प्लांट है तो ये पिसर लाइक रहेगा, तो जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा और इंसेक्ट उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और ढक्कन बंद हो जाएगा और इस प्रकार से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाएगा, प्रेडेशन का काम कर रहा है। ठीक है, सीड्स जैसे गौरैया ने खाया, ये भी एक प्रकार से प्रेडेटर ही है क्योंकि सीड वापिस नहीं आएगा, तो प्रेडेशन इज ऑब्वियसली नॉट बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्तिगत के लिए नुकसानदेह है ये, लाभदायक भले नहीं है, दैट इज किल्ड एंड ईटन एज ए फूड, बट टू प्रे पॉपुलेशन एज होल द प्रीडेटर कुड बी वेरी बेनिफिशियल। यदि मान लो प्रीडेटर ना रहे तो जो प्रे की पॉपुलेशन है जबरदस्त बढ़ जाएगी, जैसे मान लीजिए सांप यदि ना रहे तो चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि डोंट किल ए स्नेक, आप एक स्नेक को मारेंगे 1,000 चूहों को वो की बढ़ोतरी होगी, एक्सप्लोजन होगा, रेट एक्सप्लोजन। अब एक आध धोखे से किसी को काट दिया, लाखों में एक आध आदमी को, तो उसके लिए हम लोग क्या सांप को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दैट इज नॉट गुड। अब ये जो सांप हैं ये उनके रहने से चूहे बड़े कंट्रोल में हैं और चूहों की संख्या कम रहेगी तो आपके जो किसान हैं उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के पूरा एक फूड चैन है, फूड वेब है, और चिंता करने की बात नहीं, सांप को मारने की जरूरत नहीं, सांप को खाने वाला ऊपर बैठा हुआ है मोर या बाज, तो उनका भोजन आप नष्ट कर रहे हैं कुल मिला के। तो कुल मिला के इको सिस्टम को जो नष्ट करने की ताकत है आज सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग्स ने अपने पढ़े लिखे कामों से कर दिया है। अब आइए कॉम्पिटिशन की बात करें, तो
तो कंपटीशन में ये होता है इंटरेक्शन जो होगा बिटवीन टू स्पेसीज वेयर बोथ सफर एडवर्स, जो यहां पर दोनों ही एडवर्स इफेक्ट से सफर करेंगे। इंटरेक्शन देखिए कंपटीशन हो रहा है तो यहां पर जो भी कंपटीटर रहेंगे, आपको लगता है कंपटीटर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर नहीं, दोनों ही सफर कर रहे हैं। मेंटल भी करते हैं यार, ये इंसान लोग कर रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए, आप लोग यदि कंपटीशन कर रहे हैं तो आपके अंदर की भावनाएं निगेटिविटी में ही भरी रहती हैं। इसलिए कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, अपनी ताकत के हिसाब से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि जबरदस्ती कंपटीशन करें। तो कंपटीशन में यहाँ देखिए बहुत स्थिति खराब है, दोनों को निगेटिविटी का असर होगा और इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर बोथ सफर्स एडवर्स इफेक्ट, दोनों ही प्रतिकूल प्रभाव से सफर करेंगे। और ये मे बी इंटर आर इंट्रा, इंटर का मतलब बिटवीन टू आर मोर डिफरेंट स्पीसीज, जब अलग अलग स्पीसीज के बीच कंपटीशन होगा तो इंटर, और यदि सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच होगा तो इंट्रा। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है दैट इज मोर इंटेंस देन इंटर स्पेसीज। ऐसा इसलिए है कि बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज आर सिमिलर, एक ही चीज के लिए आप लोग कंपटीशन करेंगे, जैसे ट्रीज है, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, किसी फॉरेस्ट में हैं, दे आर कंपीटिट फॉर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। ये पॉलिनेशन है मतलब परागण, ठीक है, पॉलिनेशन मतलब ये, यहाँ पर जो भी प्लांट्स रहेंगे फॉरेस्ट में, चाहे ट्री हों, श्रब्स हों, हर्ब्स हों, वो कॉम्पिटिट करेंगे फॉर द सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक पदार्थ के लिए और वाटर के लिए, और बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर, जैसे पॉलिनेशन के लिए बायोलॉजिकल एजेंट चाहिए, इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट वगैरह, डिस्पर्सल के लिए बर्ड्स वगैरह चाहिए। तो इनके बीच कॉम्पिटिशन होगा, इस प्रकार से ये कॉम्पिटिशन निगेटिव ही रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, और इसके बाद आता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में ये होगा वन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नियर इट, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा रहेगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके आसपास कोई दूसरा जीव ग्रो करे। इस प्रकार के जो इनहिबिशन, इट इज केमिकल इन नेचर, क्योंकि ये कोई केमिकल प्रोड्यूस करेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी। जैसे टैगेट्स इरेक्टा का मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस हार्मफुल टू माइक्रोब, जहां भी ये गेंदे का पेड़ उगता है वहां पर ये टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करेगा जो कि माइक्रोब्स को वहां नुकसान पहुंचाएगा। वैसे एंटीबायोटिक का यूज करते होंगे आप लोग बीमार पड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार का पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, खासकर माइक्रोब्स के द्वारा, और विथ इन लो कॉन्सेंट्रेशन कैन इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक से आपने पैदा किया और दूसरे को मारा, एंटीबायोसिस प्रक्रिया ऐसी को बोलते हैं। यहां पर जो भी बैक्टीरिया हैं या जो भी एंटीबायोटिक जिससे प्राप्त किया गया है तो वो दूसरे जीव को नष्ट कर देते हैं, ग्रो करने या ग्रोथ करने नहीं देते। इसी प्रकार से एमेंसलिज्म के बाद एक लास्ट है, दैट इज कॉल्ड सोशल पैरासिटिज्म। सोशल पैरासिटिज्म ये है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन स्पेसीज बाय अनदर, मतलब जो एक जाति है उसका दूसरी जाति के द्वारा सामाजिक तौर पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए नेचर में आप देखेंगे ब्रूट पैरासिटिज्म इन बिटवीन कुकू एंड क्रो, कौवे और कोयल के बीच ब्रूट पैरासिटिज्म होती है। ब्रूट का मतलब आपको समझ में आएगा, द इंडियन कोयल नाइदर इनक्यूबेट्स इट्स एग नॉर फीड इट्स यंग, मतलब जो हमारी कोयल है जिसको आप बहुत ही देखते हैं, लगता है मीठी मीठी कुहू कुहू की आवाज निकाल रही है, सुंदर भी दिखती है, लेकिन वो कभी भी अपने अंडे को इनक्यूबेट नहीं करती, सेती नहीं, गर्मी नहीं पहुंचाती, और ना ही उस अपने यंग को, जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनको फीड करती, कुछ नहीं करती अपने बच्चों के लिए। बट दीज फंक्शंस आर सीक्रेटली फोर्स्ड अपॉन द क्रो, ये सीक्रेटली मतलब छुपे तौर पे फोर्स करके क्रो को बाध्य कर देती है कौवे को कि वो उसके अंडे को से और उसके यंग्स को फीड कराए, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में ला के दे। तो सोचिए कोयल कितनी चतुर है कि सीक्रेटली पता भी नहीं कौवे को, और कौवे के जहां पर घोंसले हैं वहां चुपचाप अंडा दे आती है, और बेचारा कौवा जिसको आप लोग कहते हैं काँव काँव कर रहा है, वो उसको सेता है और उसको फिर इनक्यूबेट करता है, गर्मी पहुंचाता है, फिर उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और अल्टीमेटली उसको फीड कराता है, तब बाद में उसको पता चलता है और तब तक कोयल बड़ी होकर उड़ जाती है। तो इस प्रकार से सोशल पैरासिटिज्म भी हमको
देखने में आई है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो इस प्रकार से आज हमने देखा इंटरेक्शन के बारे में कि तमाम इंटरेक्शन हैं, जिसमें से लास्ट में आपको बता देते हैं इंटरेक्शन में हमने पाया है कि यदि दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं, ए स्पेसीज एंड बी स्पेसीज, तो दोनों ही हेल्दी रहेंगे और बोथ आर ओके, सब ऑल राइट रहेगा, ठीक है। दोनों जितनी भी स्पेसीज आपस में भी इस प्रकार से इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात कर लें या प्लांट्स की बात कर लें, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो समाज भी हेल्दी रहेगा और इंटरेक्शन भी हेल्दी रहेगा। लेकिन यदि मान लो दोनों ही एक दूसरे का गला काटने को लगे हुए हैं, तो नेगेटिविटी एक दूसरे को दे रहे हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, तो इस प्रकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, होपलेस कंडीशन वहाँ जनरेट हो जाएगी और बोथ आर नॉट ओके। पूरा सोसाइटी या पूरा समाज या जहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रहा है, इस प्रकार का नेगेटिविटी कॉम्पिटिशन, पर्टिकुलरली आज देख रहे हैं आप लोग पूरी दुनिया में कॉम्पिटिशन का दौर है, चारों तरफ होपलेस स्थिति है, क्योंकि सभी लोग ओके नहीं, ठीक है। और यदि मान लीजिए एक बेनिफिटेड हो रहा है और एक लास्ट में हो रहा है, तो ये तो और भी बद से बदतर स्थिति है, क्योंकि वन इज हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, हमेशा दूसरा असहाय रहेगा और अनहैप्पी रहेगा। जैसे प्रेडेटर, अब यहाँ मान लीजिए शेर ने आया और हिरण को खा लिया, तो हिरण का पूरा परिवार बाद में समझ जाएगा कि अब हमको भी कोई खाएगा, तो हेल्पलेस हो जाता है, वो अनहैप्पी हो जाता है। तो जानवरों में तो चलो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हम लोग जो पढ़े लिखे लोग होशियार हैं, उनके बीच ये सबसे खतरनाक मुझे तो लगता है इस टाइप का इंटरेक्शन, जिसमें एक को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, उसको तकलीफ पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि तमाम प्रकार के इंटरेक्शन किसी भी पॉपुलेशन में आते हैं और पूरे पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। थैंक्स।